तो ये पूरी तरह से 360 डिग्री अंडा घूमता है और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। टेम्परेचर ऑटोमेटिक रहेगा, ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिक रहेगा, एक टर्निंग ऑटोमेटिक रहेगा, आपका फॉगर भी बढ़िया काम करेगा, आपको ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा और एक साल की वारंटी हम लोग दे ही रहे, सर्विस पूरी तरह से आपको मिल जाएगी। हाई फ्रेंड, लाइफ इंक्यूबेटर हैचिंग इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 200 अंडे का फुल्ली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर, जो पूरी तरह से मेटल और एल्यूमिनियम के बॉडी में बना हुआ होता है। काफी हेवी क्वालिटी है, आप देख सकते हो, और इसकी लाइफ भी काफी अच्छी होती है। ये करीबन 20 से 25 साल आराम से लाइफ देता है। तो आप देख सकते हो इसमें कंट्रोल पैनल भी हमने काफी हेवी क्वालिटी का लगाया हुआ है। नॉर्मली ये कंट्रोल पैनल 5000 अंडों तक हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ये 200 अंडों के इंक्यूबेटर में इसका इस्तेमाल किया है, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट हमारे क्लाइंट को यहाँ पे ना रहे। आप देख सकते हो ये 3 ट्रे में बना हुआ इंक्यूबेटर है। यहाँ पे 200 अंडे का स्टोरेज होता है, पूरी तरह से 200 अंडे आपके आराम से आ जाते हैं। 200 से 210 अंडा भी आराम से आ जाएगा। ये 70 अंडों का ट्रे है, ये जो आप देख सकते हो ये 70 अंडों का ट्रे है। 360 डिग्री पूरा रोटेशन होता है, पूरा 360 इसका रोटेशन होता है। फ्री साइज ट्रे है, यानी आप इसमें मुर्गी, बदक, बटेर, तीतर, राजहंस, मोर, टर्की, गिनीफॉल किसी का भी अंडा रख सकते हो। आपको किसी के लिए अलग अलग ट्रे लेने की जरूरत नहीं होती है। जैसे किसी को मुर्गी करना है तो उसका ट्रे अलग लेना पड़ेगा, बटेर करना है तो अलग ट्रे लेना पड़ेगा, बदक लेना करना है तो अलग ट्रे लेना पड़ेगा, तो वैसे आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से फ्री साइज ट्रे है, इसमें आप किसी भी तरह के अंडे रख सकते हो, छोटे बड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, ये 360 डिग्री घूमता है, पूरी तरह से अंडा गोल घूमता है, तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। 3 ट्रे में मिलके 200 से 210 अंडा आपका बड़ी आराम से आ जाएगा। और लास्ट के 3 दिन जो है यहाँ पे हम इसका हैचिंग कराएंगे, मतलब जब लास्ट के 3 दिन जब चूजा निकलना शुरू होगा तब आप जो भी अंडा क्रैक होगा उसे आप यहां से निकाल के यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। ये लास्ट के 3 दिन आपको करना है, एक बार सुबह एक बार शाम, सिर्फ दिन में 2 बार लास्ट के 3 दिन आपको मशीन खोलनी है। जब आपका अंडा क्रैक होगा, चूजा क्रैक करेगा और फिर उसे आपको यहाँ पे छोड़ देना है, वो अपने आप निकल जाएगा। तो ये खाली दिन में 2 बार करना है, एक बार सुबह जो भी क्रैक हुआ है वो अंडा यहाँ पे ले लेना है और शाम में जो भी अंडा क्रैक हुआ है वो दोबारा यहाँ पे लेना है। जैसे जैसे चूजा आपका निकल जाएगा उसे बाहर निकाल लो। तो आप देख सकते हो इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर आपने देखा ही होगा, काफी हेवी क्वालिटी में है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी है, ऑटोमेटिक टर्निंग होगा और ओवर हीटिंग का भी हमने ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। आप पीछे की ओर यहाँ पे देख सकते हो एग्जॉस्ट का भी हमने एक ऑप्शन दे रखा है, मतलब ओवर हीटिंग अगर हो जाती है, जैसे नेचुरली आपके यहाँ का टेम्परेचर ही ज्यादा है, जैसे कई बार क्या होता है कि आप जहां पे हो वहां का ही टेम्परेचर नॉर्मली 40, 42, 48 तक भी हो सकता है, तो ऐसे में क्या होता है हमारा रिजल्ट कम हो जाता है जहां पे ओवर हीटिंग वाला मसला आ जाता है। तो हमने ये फंक्शन कर रखा है कि ओवर हीटिंग भी अगर हो जाता है आपका, तो इसके अंदर एक एग्जॉस्ट लगाया हुआ है जो अंदर की अतिरिक्त गर्मी जो है वो बाहर छोड़ देगा, यानी आपका कोई भी बैच इसमें वेस्ट नहीं होगा। तो ये एक प्लस पॉइंट इसमें होता है। पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, तो किसी भी तरह का कोई भी आपको इसमें एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इसमें पानी मेंटेन करना है। ह्यूमिडिटी का कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसीलिए हमने यहाँ पे फॉगर का कनेक्शन दे रखा है। पूरी तरह से आप देख सकते हो फॉगर बहुत बढ़िया ह्यूमिडिटी बनाता है, यानी किसी भी तरह का आपका कोई भी चूजा अंडों के अंदर फंस कर नहीं मरेगा। ये आप देख सकते हो इतना अच्छे से ये ह्यूमिडिटी बनाता है, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है कि ह्यूमिडिटी फॉगर वाला होने की वजह से आपकी ह्यूमिडिटी कम नहीं बनेगी और ना ही आपका चूजा अंदर फंस कर मरेगा। तो मैं आपको यहाँ पे अभी पूरी तरह से प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि भाई किस तरह से अंडे रखने हैं और किस तरह से रोलिंग होता है। ये पूरी एक्टिविटी आपको यहाँ पे मैं करके दिखा दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस्तेमाल करने में। देखिए मैंने कुछ अंडे यहाँ पे ले लिए हैं और आपको अंडे जो है यहाँ पे मैं ट्रे में रख के दिखाऊंगा, अंडा रोटेट कैसे होता है ये भी आपको यहाँ पे पूरी तरह से दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यानी इस तरह से नए नए वीडियो आपके पास आते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं एक मार्किंग कर लेता हूँ, जिससे कि अंडा रोटेट कैसे हो रहा है ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। ये आपको करना जरूरी नहीं है, ये बस आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इस तरह से मार्किंग करके मैं अंडा यहाँ पे रख दूंगा और आपको रोटेशन कैसे करते हैं क्या है ये पता चल जाएगा। तीनों ट्रे में अभी पहले मैं अंडा लगा लेता हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने तीनों ट्रे में अंडे यहाँ पे लगा लिए हैं। एक ट्रे में आराम से 70 अंडा आराम से आ जाता है, कई बार एक लाइन में जो है 7 की बजाय 8 भी अंडा आ जाता है, यानी यहाँ पे जो है अंडा आपका 200 से लेके 225 तक आराम से आ जाएगा। जैसे हम लोग 210 तो 100% 210 अंडा तो 100% आ ही जाता है,
कभी कभार अगर आपका प्योर देसी का अंडा है तो 5-10 अंडा आपका ज्यादा ही आने वाला है, इसमें आपको 225 तक भी अंडा आराम से आ जाएगा, डिपेंड आपके साइज के ऊपर, 210 से प्लस आपका अंडा इसमें आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे रोटेशन का मैंने टाइम जो है नॉर्मली यहाँ पे सेट किया होता है जो 90 मिनट के लिए हुआ होता है। आपको इस पैनल में बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है, किसी भी तरह का कोई भी बटन यहाँ पे आपको नहीं दबाना है, ये पूरी तरह से सेटिंग होकर आएगा। जैसे आपका टेम्परेचर, ये कई बार लोगों का कंफ्यूजन होता है कि सर ये डबल डिस्प्ले है क्या है, तो मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे जो सेट किया हुआ जो इसका एक्चुअल जो टेम्परेचर होना चाहिए जो यहाँ पे है 38, जो हमारा अंदर मशीन के अंदर हमारा टेम्परेचर होना चाहिए, अंदर ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए तो 60 होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे ये प्रोग्राम सेट किया हुआ है। अब एक्चुअल अंदर टेम्परेचर कितना है, मतलब 38 टेम्परेचर चाहिए लेकिन अभी 34.1 टेम्परेचर है, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है, और ह्यूमिडिटी जो है 60 होनी चाहिए जो अभी कम है 45 है। इस वजह से आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो हमारा फॉगर भी शुरू है, क्योंकि जितनी चाहिए उतनी ह्यूमिडिटी अभी नहीं बनी है, इसीलिए फॉगर हमारा यहाँ पे फॉग बना रहा है। तो यहाँ पे आप किसी भी तरह का कोई भी बटन ना दबाए, आप कोई भी बटन दबा के सिर्फ इसका प्रोग्राम चेंज कर देते हो और जिससे चूजे निकलने में दिक्कत आ जाती है। और एक आपको यहाँ पे खाली बताने के लिए, जैसे अभी हमने यहाँ पे एक बीप होता है जो बंद किया है, ये बीप बंद करने की वजह क्या है कि आपको वीडियो में सही से सब कुछ सही आइडिया आ जाए। तो देखिए ये एक अगर आपका इस तरह से अलार्म होता है, आप ठीक से सुनिए, इस तरह से एक अगर अलार्म होता है तो यहाँ पे अप और डाउन के 2 बटन है, अगर आप डाउन का बटन यहाँ पे दबा दोगे तो आपका ये बीप बजना बंद हो जाएगा। बस यही एक बटन, अगर जरूरत पड़ी आपको ये बीप से इरिटेटिंग होता है तो ही आप इसे दबाइए, वरना ये जैसे है वैसे चलने दो। ये बीप इसीलिए बज रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ह्यूमिडिटी 60 होनी चाहिए, यहाँ पे 45 है तो ये कम है इसीलिए अलार्म हो रहा है। 38 टेम्परेचर होना चाहिए, यहाँ पे 34 है तो ये लो है अभी, क्योंकि हमारा मशीन का जो डोर है ये खुला हुआ है, इस वजह से जो है ये अलार्म बजा रहा है, यही एक उसकी वजह है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, अगर अब भी होता है जैसे अभी लो है, अगर ओवर होता है, हल्का सा ओवर टेम्परेचर चला जाता है, एग्जॉस्ट फैन शुरू हो जाएगा, आपका ओवर हीटिंग बाहर चला जाएगा, तो वो भी कुछ मिनट के लिए आपका अगर बीप बजता है तो सिर्फ डाउन का बटन दबा दीजिए और आपका अलार्म बजना बंद हो जाएगा, बाकी कोई भी बटन यहाँ पे बिल्कुल भी ना दबाए। यहाँ पे हीटर 1 और हीटर 2 ऐसे 2 ऑप्शन है, तो हमने यहाँ पे ये 2 हीटर लगाए हुए है, ये डबल पैनल वाला है, अगर आपका इनकेस एक हीटर खराब भी हो जाता है इनकेस, तो आपका सेकेंड हीटर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में है, यानी आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, कोई भी बैच खराब नहीं होती है, ठीक है। इसकी 1 साल की वारंटी है, मशीन की हम लोग 1 साल की वारंटी देते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आपका अगर खराब हो जाता है 1 साल से पहले तो आपको वो फ्रीली रिप्लेस करके नया मिल जाएगा, आपको उसके लिए कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑल इंडिया हम लोग इसकी कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड करा देते हैं, जहां पे भी चाहिए ऑल इंडिया आपको इसकी कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगी। 8 से 10 दिन की डिलीवरी का टाइम होता है तो 8 से 10 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जस्ट एक अप का डाउन का यहाँ पे एरो शुरू हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे अंडा रोटेट होना शुरू हो गया है, धीरे धीरे जो हमने मार्किंग की थी वो पीछे की ओर गई है, तो धीरे धीरे ये घूम के दोबारा आगे आ जाएगी। आप देख सकते हो कि इस तरह से ये अंडा अपने आप रोटेट होता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरी तरह से ये ऑटोमेटिक है। अब धीरे धीरे देखो जो हमने मार्किंग की हुई थी अंडे के ऊपर, ये धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो गई है, तो ये पूरी तरह से 360 डिग्री अंडा घूमता है और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। टेम्परेचर ऑटोमेटिक रहेगा, ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिक रहेगा, एक टर्निंग ऑटोमेटिक रहेगा, आपका फॉगर भी बढ़िया काम करेगा, आपको ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और 1 साल की वारंटी हम लोग दे ही रहे, सर्विस पूरी तरह से आपको मिल जाएगी। तो आपको ये एकदम आसानी से बढ़िया मशीन है, जो मेटल की बॉडी में आती है, पूरी तरह से रफ एंड टफ है, आप देख सकते हो पूरी तरह से मार्किंग किए हुए आगे आके दोबारा पीछे चले गए, ये पूरी तरह से 360 डिग्री पूरा अंडा घूमेगा। हर 2 घंटे का इसमें प्रोग्राम किया हुआ है, हर 2 घंटे के लिए 2 मिनट के लिए अंडा घूमेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी छेड़खानी आप मत कीजिए, आराम से आपको 90 से 95% इसमें रिजल्ट आराम से मिल जाएगा। मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या जरूरी है, आपका अंडा ताजा होना चाहिए। आप मुर्गी का कर सकते हो, बदक का कर सकते हो, बटेर का कर सकते हो, किसी भी तरह से आप कोई भी फैंसी बर्ड का भी इसमें कर सकते हो, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर अंडा आप ले रहे हो तो उसे ताजा लो, 5 से 6 दिन पुराना ही आपका अंडा होना चाहिए, इससे ज्यादा पुराना अंडा आप ना रखिए,
और फ्रिज का अंडा भी बिल्कुल ना रखे, किसी भी तरह के पतरे के शेड में इस मशीन को या कोई भी मशीन को ना रखे। तो इन चीजों का ध्यान रखिए कि अंडा आपका ताजा और फर्टिलाइजर होना चाहिए। जहां से भी अंडा ले रहे हो या घर का अंडा हो, मेल फीमेल दोनों होना जरूरी है। ये चीज का ध्यान रखिए, अंडा ताजा 5-6 दिन का लीजिए। इस मशीन में जो है मुर्गी का अंडा भी निकाल सकते हो, बदक का भी अंडा निकाल सकते हो, बटेर का भी निकाल सकते हो। अभी जैसे इसमें 210 से सवा 200 अंडा आपका आराम से आ जाता है मुर्गी का, बटेर का रहेगा तो करीब करीब दुगना आ जाता है। तो समझ लो अगर आपके पास एक ही टाइम पे आपके पास जैसे 200 से सवा 200 अंडा इसमें आराम से आ रहा है और आपके पास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि एक ट्रे का इस्तेमाल अभी, एक ट्रे का 2-4 दिन बाद अगर आपके पास अवेलेबल हो रहा है तो इस तरह से ट्रे बाय ट्रे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास 200 से सवा 200 अंडा बिल्कुल एक टाइम पे रेडी नहीं होता है, क्योंकि ताजा अंडा होना जरूरी है। अब जितना पुराना अंडा डालोगे आपको रिजल्ट कम आने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो 5-6 दिन पुराना ही अंडा यूज करना है। तो जैसे अगर एक ट्रे में आपका यहाँ पे 70 अंडा आ रहा है और आपके पास उतना ही अंडा है, तो आप एक ट्रे अभी लगा सकते हो। तीनों का सेपरेट सेपरेट कनेक्शन दे रखा है, मतलब आप अगर 3 या 4 दिन बाद समझ लो आपको दोबारा 70 अंडा बैठ सके या 50 अंडा मिल जाए, तो आप सेकेंड ट्रे लगा सकते हो। उसके बाद दोबारा आपके पास अगर और 3-4 दिन में अगर तीसरा ट्रे के लिए अंडा आ जाता है, तो आप इस तरह से 3 अलग अलग टाइम पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। बस ऐसा ना करे कि भाई मैंने इसके अंदर अभी जैसे 70 अंडा बैठ रहा है तो आपने आज 40 अंडा रख दिया, 3 दिन या 4 दिन के बाद फिर बचा हुआ अंडा आपने और 30 अंडा उसमें बैठ रहा है तो दोबारा 30 अंडा रख दिया। तो एक ट्रे में एक टाइम पे एक साथ ही अंडा डाले, एक ट्रे में आगे पीछे अंडा बिल्कुल ना डाले। मतलब जैसे 70 अंडे बैठ रहे तो 40 आज डाल दिए और 3-4 दिन के बाद दोबारा 30 डाल दिए, तो ऐसे बिल्कुल ना करें। एक ही टाइम पे एक ट्रे में जितना अंडा आप रख सकते हो, जैसे 70 अंडा बैठता है तो 70 से कम कितना भी बैठ रहा है आप रख दो। सेकेंड बैच जो लगाओगे उसके लिए आपको सीधा सीधा दूसरा ट्रे का ही इस्तेमाल करना है। ऐसे आप सेपरेट सेपरेट इसमें यूज कर सकते हो, आपको उसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं, बस इसी तरह से आप आराम से कर सकते हो। जैसे अगर मुर्गी का कर रहे हो तो आपको 18 दिन ट्रे के अंदर रहेगा, आपका ऑटोमेटिक टर्निंग होगा। 19वें दिन, 20वें और 21वें दिन क्या करना है, जो भी चूजा क्रैक होगा, अंडा क्रैक करेगा जो भी चूजा अंदर से, वो अंडा यहां से उठा के यहां पे रख देना है, जो नीचे का हमारा हैचर ट्रे है छोटा वाला, तो इसके अंदर उसे शिफ्ट कर देना है। तो बस यही एक एक्टिविटी आपको करनी है। फॉगर पानी कम करते रहेगा क्योंकि वो नमी बनाता है, तो आपको पानी जो है यहाँ पे मेंटेन करना है, पानी देखते रहिए। नॉर्मली 3-4 दिन तक तो आराम से ये पानी चल जाता है, आपको बार बार मशीन खोलने की जरूरत नहीं है। जितना आप मशीन कम खोलोगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट आपको ये मिल जाएगा। मेटल बॉडी होने की वजह से इसकी लाइफ भी काफी बढ़िया होती है, 20 से 25 साल आपको ये आराम से चल जाएगा। ऑल इंडिया हम लोग कैश ऑन डिलीवरी भी करा देते हैं, तो आपको कैश ऑन डिलीवरी भी ऑल इंडिया मिल जाएगा। 1 साल की इसकी वारंटी रहेगी ऑल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की। तो आपको ऑल इंडिया कैश ऑन डिलीवरी हम प्रोवाइड करा देते हैं। कोई भी तरह से आपको पहले 2,000, 5,000, 100 रुपया, 500 रुपया खाते में भेजो, ऐसे कोई करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगा, ऑल इंडिया आपको जहां चाहिए वहां पे डिलीवरी हो जाएगी। बस छोटे छोटे विलेज है, छोटे छोटे गांव है, वैसे जगहों पे ये बड़ा पार्सल है, बड़ी मशीन है, साइज बड़ी है, अभी पैकिंग वगैरह होने के बाद और साइज बढ़ जाएगी। तो ये कई बार ये दिक्कत खाली आएगी कि आपके डोर डिलीवरी नहीं होगी, जो भी आपका करीबी शहर है वहां तक जाकर पार्सल आपको खुद जाकर कलेक्ट करना पड़ सकता है बाय चांस। तो ये चीज के लिए खाली रेडी रहिए कि भाई थोड़ा बहुत आगे पीछे पार्सल आए तो जाकर रिसीव कर लीजिए, क्योंकि ये पार्सल बड़े होते हैं तो डिलीवरी बॉय जो है उनके बाइक पे आपके घर तक लाकर नहीं दे पाते, तो आपको कुरियर ऑफिस जाकर खुद ये पार्सल लेना पड़ सकता है। बाकी आपको कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगी, कोई भी पेमेंट आपको पहले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जरूरतमंद दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।